नाम वापसी के बाद जिला पंचायत चुनाव के लिए स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। 3,117 पंच निर्विरोध चुने जाएंगे, जबकि 16 सरपंच व 2 जनपद सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित होकर अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरपंच पद के लिए 1 वार्ड में, जबकि पंच पद के लिए 96 वार्ड में एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। शुक्रवार को जिला पंचायत चुनाव के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन था। जिला पंचायत सदस्य के लिए 26 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन फॉर्म वापस लिए, जबकि जनपद सदस्य के लिए 53 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। इसी तरह सरपंच पद के लिए पूरे जिले में 419 उम्मीदवारों ने, जबकि पंच पद के लिए 326 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। नाम वापसी के बाद अब चुनाव मैदान में बचे उम्मीदवारों की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। जिला पंचायत के 17 वार्ड के लिए 50 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि जनपद सदस्य के 100 वार्ड में 308 उम्मीदवार, सरपंच पद के लिए 331 वार्ड में 976 व पंच पद के लिए 4,555 वार्ड में 2,667 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों की बात की जाए तो जिला पंचायत सदस्य के सभी वार्डों में चुनाव की स्थिति बनी है। जनपद सदस्य के चुनाव में 2 वार्ड में निर्विरोध की स्थिति निर्मित हुई है, जबकि सरपंच पद पर 16 वार्ड में निर्विरोध जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। सबसे बड़ा आंकड़ा पंच पद में सामने आया है, यहाँ 3,117 वार्ड में निर्विरोध रूप से जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। जिला पंचायत की जो प्रक्रिया है वो नाम वापसी की होने के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन तक की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया के बाद जनपद जिला पंचायत इंदौर में 50 नाम निर्देशन पत्र जो पाए गए हैं, जो कि निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और एक भी जिला पंचायत का सदस्य निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। इसी प्रकार पंचायत जनपद पंचायत में जो कि 100 जनपद पंचायत के क्षेत्र थे, उसमें 2 जनपद पंचायत के क्षेत्र में निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुआ है। ये दोनों क्षेत्र सांवेर के हैं। इसी प्रकार से सरपंच में 331 क्षेत्रों में निर्वाचन होना था, उसमें से 16 क्षेत्र पे निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ है, और पंच में 3,117 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मतदान के दिवस के लिए अभी जिला पंचायत में कल ही जो कैंडिडेट्स थे उनकी मीटिंग बुला ली गई थी। कैंडिडेट्स की मीटिंग बुलाने के साथ साथ उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन, उनको बैलेट के में किस तरह से नाम आएंगे उसका आवंटन कर दिया गया था, और बैलेट उनको आदर्श आचरण संहिता की प्रति दे दी गई थी। और इसी प्रकार से जनपद में और पंच सरपंच के लिए भी सभी जो कैंडिडेट हैं उनको इसी प्रकार से ये मतदान केंद्र की सूची, जनपद के और चुनाव चिन्ह का आवंटन, और उनके साथ जो बैलेट में किस हिसाब से उनका नाम रहेगा ये सूची दे दी गई है। और इसके साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया अपनी प्रारंभ हो चुकी है, और बैलेट्स को छपने की प्रक्रिया भी हमारे यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। नहीं, अभी बजट अभी पूरी तरीके से अभी नहीं हुआ है। जब पूरा निर्वाचन संपन्न होगा उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि कितना खर्चा है इसको। नामांकन के दौरान सरपंच पद के लिए 1 वार्ड में, जबकि पंच पद के लिए 96 वार्ड में एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।